जैसे कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो कबूतर का जोड़ा लाया था उसमें से दोनों नर निकल गए हैं। भाई ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लखे हैं, बाकी क्या करें, इसमें से अपने को एक निकालना पड़ेगा या फिर दोनों अगर कोई लेंगे तो हम दोनों ही निकाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं अपने सारे कबूतर खुले हुए हैं, और ये लखा एक ऐसी नस्ल होती है कि भाई ज़्यादा उड़ती नहीं है। ये देख लीजिए, कम से कम उड़ेंगे, बाकी ठीक है। ये घर के पक्के 2 मिनट में हो जाते हैं, जैसे ही आप छत पे लाओगे, और ऐसे के ऐसे ही ये आपकी छत पे हिल जाएंगे और कहीं उड़ते नहीं है। तो अपनी बाउंड्री पे, जैसे ये बाउंड्री है, बस इस बाउंड्री पे जाके बैठेंगे और यहाँ से वापस वो अपने दड़बे में चले जाएंगे। आप उनकी क्वालिटी देख लें, बड़े मज़े आते हैं इनको देखने में और बहुत ही शानदार लगते हैं। उनकी गर्दन भी वाइब्रेट करती है, और चोटियन है अमेरिकन फेंटेल, मस्त लखे हैं। इस बार अपने साथ जो चोट हुई है, अब अगली बार अपन किसी के दड़बे से लाएंगे, मार्केट से नहीं लाएंगे। तो दोस्तों लखे जो पालो तो उसके बहुत ही बेनिफिट रहते हैं, क्योंकि एक तो ये महंगे मिलते भी हैं और महंगे बिकते भी हैं, दूसरी बात भाई बहुत खूबसूरत पक्षी है, इनको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है देखते ही जाए। तो अभी जो लखे लाऊँगा भाई, बहुत देख परख के छानबीन करके लाऊंगा। तो भाई अगर आपकी निगाह में कहीं हो कोई बेचने वाला हो, या फिर आप ही कोई दे रहे हो, तो मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।